प्रणाम महात्मा जी। अरे बड़ा प्रसन्न लग रहा है, इतना प्रसन्न चित मैंने आपको कभी नहीं देखा पहले। हाँ मैं भी अपने आप को इतना प्रसन्न चित पहले कभी नहीं देखा। अरे वाह, इस प्रसन्नता का कारण पहचानो। अच्छा यत्न करो। अच्छा पहचानना पड़ेगा, मेरे ख्याल से अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे क्या? नहीं ये कारण नहीं है। क्या कारण है? तो जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग छोड़ दी ये भी नहीं, तो फिर क्या कारण है? पहचानो, प्रयत्न करो। अरे यार आप जैसे महान लोगों के जीवन में इतनी घटनाएं घटती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबेडकर जी का विधि मंडल के चुनाव में पक्ष का पार घुला उड़ गया इसीलिए? बिल्कुल सत्य, तुमने पहचान लिया, पर तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? ये अंबेडकर जी की हार आपको गंभीर बात नहीं लगती? जो व्यक्ति 15-16 साल तक छल 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 किया हो उसके हार जाने पर मुझे प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए? जो व्यक्ति गांधी के विरुद्ध गर्जना करता हो, जो पाकिस्तान मान्य करो कहके मुसलमानों के हाथ को मजबूत करता हो, ऐसे व्यक्ति के हार जाने पर मुझे प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए विदुषक? ये आपको क्या हो गया बापू? देखो ये प्रश्न धार्मिक नहीं राजनीतिक है। अच्छा तो फिर धर्म का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कहने वाले को धर्म का अर्थ ही समझ में नहीं आया ऐसा कहना पड़ेगा? मेरे विचार मुझे ही, देखो जब तक डॉक्टर अंबेडकर जी ये स्वतंत्र मतदाता संघ के मांग को छोड़ नहीं देते तब तक मैं मतलब पूरा करार आपने भुलाया नहीं अभी? बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे। अच्छा तो फिर जो भूमिका आप अंबेडकर जी के लिए लेते हैं वही भूमिका जिन्ना के लिए क्यों नहीं लेते? कहिए जिन्ना से के पाकिस्तान की मांग छोड़ दे। हाँ मेरा प्रयत्न चल रहा है। प्रयत्न या दोषारोपण? अरे जिन्ना से सीधे सीधे कहिए अपना अपनी सिर छोड़ दे। नहीं मैं मुझे लगता है मैं जिन्ना के हृदय को परिवर्तित कर सकूंगा। पाकिस्तान ये एक अलग राष्ट्र है जिन्ना पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, वो भला आपकी ये विनती सुनेंगे? भाई हजारों वर्षों से हिंदू शासन में आए मुसलमान और मुगलों के शासन में हिंदू, तो फिर इन्हें जातीय दंगों की लहर कहां से आ? और क्या, पहले सब लोग एक साथ मिलकर इस भूमि पर रहते थे लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दंगे भड़क रहे हैं? ये मुसलमानों के मस्जिद में मिलता है सुअर का मांस और हिंदुओं के मंदिर के बाहर मिलता है गाय का मांस, इससे क्या हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता? भाई आप तो हिंदू ना मुसलमान, आप तो महात्मा, आप तो प्रतिनिधि हिंदुओं के, पंचमों के और मुसलमानों के, तो फिर भी मुसलमानों के लिए जिन्ना, हिंदुओं के लिए सावरकर और पंचमों के लिए अंबेडकर जी, इस बात को आप क्यों नहीं समझते? अंबेडकर की हार पर आप खुश हुए मगर जिन्ना की मुस्लिम लीग तो वैसे की वैसे ही पड़ी। कल भारत के अखंडत्व की लड़ाई में अंबेडकर जी ही आपके उपयोगी बनते हैं। आपने कहा था ना आपको बड़ा प्यार है मुसलमानों के प्रति और बड़ा लाड़ है अपने हरिजनों के प्रति, फिर भी अंबेडकर जी को छोड़कर आप पुचकारने लगे जिन्ना को? क्या कहा? मैं पुचकारता हूँ जिन्ना को, मैं लार करता हूँ मुसलमानों को। ये हराम कर दीजिए, आप खुद ही रह लीजिए, हम जा रहे हैं। हे ईश्वर, क्या मैं सचमुच महात्मा हूं या केवल नाम का? ये धर्म को राजनीति में और राजनीति को धर्म में मिलाने की पीड़ा तो नहीं है? हे ईश्वर, क्या अरे डॉक्टर साहब क्या चल रहा है? तुम यहाँ ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी प्रतिज्ञा भूल गए डॉक्टर साहब? कौन सी प्रतिज्ञा? क्या अगर चुनाव में हार जाऊंगा तो कांग्रेस में शामिल?
हो जाऊंगा और सर पर सफेद टोपी डालूंगा। अरे वो पढ़ते क्या डालेंगे ना टोपी? विदुर सर तू बड़ा आदर क्या? अरे भाई प्रतिज्ञा पालन करने वाले नौ वीरों में ख्याति होगी आपकी। परंतु ये सफेद टोपी डालकर कांग्रेस में शामिल होना पसंद आएगा गांधी जी को? मेरा नहीं, मेरे लिए ध्यान से टोपी लेकर आज। परंतु तुम एक बात भूल गए, अगर मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो वहां पर मैं अपने गुणों से अपनी छाप डाल सकता, परंतु वो महात्मा मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचेगा कि षड्यंत्र और क्या किया इसने सुभाष चंद्र बोस का? जब तक वो गांधी जी की हां में हां मिलाते रहे तब तक सब ठीक था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने मत और विचार गांधी जी के सामने रखे तो गांधी जी ने उन्हें हकाल दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। आखिरकार उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए देश छोड़ के भाग जाना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? अरे सुभाष चंद्र बोस यानी ग्रेट आदमी है, जब ब्रिटिशों को जेल से भाग जाना किसी आम कमजोर आदमी का काम नहीं था। तुम्हारे ये विचार गांधी जी को मालूम पड़ गए तो क्या होगा? देशभक्ति गांधी जी की बपौती है, जिसे भी गांधी जी और कांग्रेस के विचार पसंद नहीं वे देशभक्त नहीं है। यानी आप देशभक्त नहीं? मैं हूं या नहीं, परंतु ये सफेद टोपी डालने वाला कल का छोकरा भी देशभक्त है, समझे? अरे यार इन बड़े लोगों के चक्कर में ना हम फिस जाते हैं, अब क्या करूं उस टोपी का? तुम तो मजाक कर रहे हो मेरा, सूट पर टोपी। देखो ये जो टोपी है ये धोती और गमछा पहनने वालों के ऊपर अच्छी लगेगी, उन्हें ही दे दो ये टोपी, फिर टोपी पहनाने के लिए अच्छी ही होती है। पर कुछ भी कहिए डॉक्टर साहब, ये गांधी जी ने आपको अच्छी खासी टोपी पहना दी है। विधिमंडल के चुनाव में एक भी आदमी जीत कर नहीं आया इनका। भाई यश प्राप्त करने के लिए हमने सब परिश्रम किया है विदूषक, परंतु सवर्णों के प्रचंड मतों के आगे हम कहीं टिक नहीं सके। जरा स्पष्ट ही बोल रहा हूं, इस बार चुनाव में आपने चंद काल का एक भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं किया, क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने विरोध किया था आपके धर्मांतरण की घोषणा का। बिल्कुल सच है, मैंने मेरे धर्मांतरण की घोषणा का निर्णय मैंने लिया, मेरे सगे संबंधी मेरे कार्यकर्ता मेरे विरोध में, और उन्हें पूर्ण अधिकार है मेरा विरोध करने, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाने के बाद मैं उन्हें चुनाव में खड़ा करूं, ये कौन सी नैतिकता? कांग्रेस के लोग मेरी पार्टी के लोगों को मेरी पार्टी के विरुद्ध ही खड़ा करके उनको भड़का देते हैं और हमारे अंतर्गत फूट डाल देते हैं। मैं लोगों को समझा देता हूं पर अंत में विचार स्वातंत्र को मानना ही पड़ता है। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यहां लोग बुद्धिजीवी नहीं केवल श्रद्धालु। दूसरे देशों में जब कोई अजीब ढंग से व्यवहार करता है तो उसे पागल समझा जाता है, परंतु यहां वो महात्मा बन जाते हैं और लोग भी उनके पीछे भागते हैं। पर मेरा यह प्रश्न नहीं, मेरी चिंता अलग है। इस देश में अछूत वर्ग के हित की रक्षा कैसे होगी? तंग आ गए मेरी बातों से? अरे कोई भी तंग आ जाएगा डॉक्टर साहब, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर बैठने की आपके अंदर क्षमता है, मगर आप जब देखो तब सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते इधर उधर जाते दलित 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 करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी राजनीति केवल खास जाति तक ही सीमित रह जाएगी? अबे ये क्या पूछ लिया तूने भाई? ये तो चेहरे का रंग ही बदल गया। निकल निकल ले यहां से, ये तो फिर से सुनना पड़ेगा। दलितों की राजनीति, खास जाति की राजनीति, इन चुभने वाले शब्दों की तीक्ष्णता से मन कैसा विदीर्ण हो गया। सच मैं कर रहा हूं दलितों की राजनीति, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं करता। कई हजारों वर्षों से अज्ञान की खाई में पड़े हुए समाज को नएपन से नई समझ से खड़ा करना है तो वो मुझे ही करना चाहते। ठीक सही है दूसरा तुम्हारा प्रश्न, परंतु जातिता के घाव तुम्हें पड़ते तो तुम इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ। मैं अकेले ही करता हूं क्या दलितों की राजनीति? पर कौन किसे दोषी ठहराए? जब तक इस देश में खास जाति को प्रतिष्ठा देने वाला हिंदू धर्म जीवित है तब तक सबको साथ लेकर चलने वाली मानवीय राजनीति असंभव। सुहृद प्रयोगशील राजनीति की वृद्धि के लिए जातिवादी राजनीति रच होनी ही चाहिए, पर यह मुझ अकेले की इच्छा है इसका क्या उपयोग? विदूषक प्रांतीय विधिमंडल के चुनाव में शर्मनाक हार हुई है मेरी, हारने वाला अंत में अकेला ही रह जाता। अरे रोको इस सबको, रोको इस डायरेक्ट एक्शन को।
वाह जिन्ना साहब वाह, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उसकाया मुसलमानों को और भड़काए जातीय दंगे, इतनी क्रूरता। ललकारी देते हुए आई, परंतु देश के विभाजन के साथ आई। भारत पाकिस्तान, फिर भी हिंदू मुसलमान प्रश्न मुंह बाएं खड़े हैं। अभी आपने इसी दंगों को रोकने के लिए कलकत्ता में आंदोलन किया था और प्राणों की रक्षा की आपने मुसलमानों की। मुसलमानों के प्राणों की नहीं विदुषक, हिंदुओं के प्राणों की रक्षा की, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन से सारे देश में दंगे फैल गए। उन दिनों को याद करके आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। सुरावर्ती ने लोगों को भड़काया और नवाखली में हिंदुओं के वध शुरू हो गए। फिर इसी का बदला लेने के लिए कलकत्ता में हिंदू मुसलमानों का वध करने लगे और फिर हिंदुओं का कत्ल करो ऐसा कहने वाले सुरावर्ती के साथ बैठकर आपने अनशन शुरू किया। अगर मैंने कलकत्ते में मुसलमानों के प्राणों की रक्षा की तो नवाखली में हिंदुओं के प्राणों की रक्षा हुई। मतलब सुरावर्ती की धमकी से आप उसके शरण में गए? मैं सुरावर्ती के शरण में गया या सुरावर्ती मेरे शरण में आया, मुझे इसमें रस नहीं है। हिंदुओं के प्राण बचाने जरूरी थे, मैंने बस वही किया। हिंदुओं का रक्षण, यहाँ सारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति का जयघोष कर रहा था और वहां पाकिस्तान से हिंदुओं के मुर्दों से खचाखच भरी हुई ट्रेन भेजी गई। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को यहाँ भारत बुला लेना चाहिए। ये तुम्हारे मुंह से डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं तो क्या गलत थी डॉक्टर अम्बेडकर जी की योजना? नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना चाहिए था विदुषक, ये स्वतंत्र भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह स्वतंत्र भारतीय राज्य है। भारत में पैदा हुए मुसलमानों को पाकिस्तान और पाकिस्तान में पैदा हुए हिंदुओं को भारत लाना एक तरह से बच्चों को अपनी माँ से अलग करना ही तो है। तो अब क्या अलग हो रहा है बापू, इस दंगे में बच्चे माँ से अलग नहीं हो रहे हैं। एक तरफ ये बंटवारा मांग करना और दूसरी तरफ ये कहना कि अपनी जमीन मत छोड़ो, अरे ये कैसा बंटवारा है बापू? आपने कहा था ना कि अगर इस देश के टुकड़े करना चाहते हो तो पहले मेरे शरीर के टुकड़े करो। इस बात पर भी इस देश के टुकड़े हो गए बापू? हाँ हो गए इस देश के टुकड़े, फिर भी ये शरीर जीवित है। छुड़ा दो, निकालो और डाल दो मेरे शरीर के अंदर। मेरी कौन सुनता, मैं किससे कहूं अपनी तकलीफ वेदना। मैंने उस समय भी कहा बनाने दो सरकार जिन्ना को, करने दो शासन, किसी ने सुनी मेरी। सबके सब एक हो गए, नेहरू पटेल सबके सब एक हो गए। एक मेहतर के बराबर भी कीमत नहीं थी मेरी। अर्थात अंबेडकर जी की राह पर आपके शिष्य भी गए। जिस व्यक्ति को देशद्रोही कहा, टिका टिप्पणी की, वही आखिरकार दृष्टा बन गया। यह तो कमाल है। अंबेडकर जी का राजनीतिक भविष्य पूर्ण रसातल में मिलता हुआ मैंने खुद देखा और यहां महाशय जी संविधान समिति पर हाजिर है। तो इसमें बुरा क्या हुआ? कुछ लोग स्वतंत्र भारत के संविधान को विधि विशेषज्ञ से बनवाने की बात कर रहे थे, जब हमारे देश में देश के नस नस को जानने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे विधि विशेषज्ञ हैं।
तो अपने स्वतंत्र भारत के संविधान को किसी विदेशी से बनवाना तो मानसिक गुलामी हुई ना। डॉक्टर अम्बेडकर, आपके विरोधी चुकाई गई कीमत पूरा करार साफ भूल गया। हाँ, साफ भूल गया हम, हृदय के घाव को भुला दिया मैंने, किंतु भाग्य के लिखे को कौन मिटाए। हे परमात्मा, दंगे रुकवाओ, हिंदू मुसलमान को एकता से रहने दो। तो इतना ही उद्देश्य था इस सज्जन का, पाकिस्तान को 55 करोड़ लौटाने चाहिए। अरे ये 55 करोड़ तो हमने बंटवारे के समय मान्य किया था, नहीं देंगे तो अपनी नैतिकता का क्या होगा। लेकिन हम विरोध करेंगे इसका, वो हमारे पैसे लेकर हम पर ही हमला करेंगे। आपके पैसे? अरे वो पाकिस्तान के पैसे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान के पैसे, लेकिन फिर भी हम विरोध करेंगे उनका। अरे वो हम पर, वो हमारे पैसे लेकर हम पर ही हमला कर रहे हैं बापू। अरे कश्मीर में उन्होंने हमला किया, ये बात भुलाई नहीं जाती हमसे। हाँ ये ठीक है, किंतु ये तो उनके नैतिकता का प्रश्न है। नैतिकता? नैतिकता के पुजारी, नैतिकता का पालन केवल हमें ही करना है। आप भी कुछ ऐसा कर लेते जो हो हिंदुओं के हित में, कम से कम ये अंचल बंद कीजिए। बापू बाहर नारे लग रहे हैं, गांधी को मरने दो, गांधी मुर्दाबाद, लोग चिल्ला रहे हैं बाहर। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, अगर मुझे कर्तव्य पूर्ण करते समय मरण आ जाए तो मेरे लिए सौभाग्य है, और अगर मैं बीमारी से मर जाऊं तो सारी दुनिया से कह देना ये महात्मा झूठा है, और अगर कर्तव्य पूर्ण करते समय कोई आकर मेरे सीने पर गोली मारे और मेरे मुंह से निकले हे राम, तो सबसे कहना कि ये महात्मा सच्चा है। कहोगे ना विदूषक? कहोगे ना? हे राम, हे राम। विश्वास नहीं होता तो ये हस्ताक्षर के साथ निवेदन पढ़िए। महात्मा ये लीजिए, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को हमेशा मिला है राष्ट्रीय महत्व। तुमने एक शस्त्र ढूंढ निकाला है महात्मा, आपने साबित कर दिया, एक शस्त्र अहिंसा का, जिसमें शत्रु की एक भी खून बहे बिना शत्रु को परास्त किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन महात्मा इस शस्त्र का प्रयोग आपने उस वक्त क्यों नहीं किया जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कूट योजना बन रही थी? हाँ, अंग्रेजों की तोड़जोड़ की नीति नष्ट हो जाती, जिन्ना तो सभी दोष हो जाते। और आपके शिष्य जो आपको मेहतर की इज्जत भी नहीं दे रहे थे, वो आपके चरणों में लीन हो जाते और देश का बंटवारा टल जाता। इस अनशन रूपी शस्त्र का प्रयोग उस समय क्यों नहीं किया? परमात्मा मुझे क्यों नहीं सूझी उस समय मेरी आंतरिक आवाज, हे परमात्मा। बापू प्रार्थना का समय हो गया है, चलिए आइए। Thank you.
जी, मुझे योग्य लगने वाली सेवा के उपलक्ष में मैं आपको नमस्कार करता हूं और अयोग्य वर्तन के लिए पवित्र अशुभ व्यक्ति का अंतिम दर्शन करते वक्त बहुत यातनाएं हो रही होंगी, नहीं डॉक्टर अंबेडकर? सीधा छाती पर गोली मार दी दुष्टों ने। अपना शत्रु बिना कुछ कहे बिना ही मर गया, इस बात पर बहुत आनंद हो रहा होगा, नहीं डॉक्टर साहब? ओ मणि पद्मे, बुद्ध की शरण में मैं अब क्यों? मैंने पुष्पांजलि समर्पित की है, तुम्हें क्या लग रहा है मगरमच्छ के आंसू? पर सच कहता हूं, जब से मैंने गांधी जी के खून का समाचार सुना है मैं मानो आर पार सा कट सा गया। ये सच है कि गांधी जी ने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया। आज मैं जो कुछ भी हूं वो केवल एक ही व्यक्ति गौतम बुद्ध के कारण। मैंने एक बार कहा था कि गांधी जी का दर्शन ये उल्लू के समान अपवित्र और अशुभ, और उसका प्रमुख कारण था दूसरे गोलमेज परिषद में गांधी जी का वो आचरण। मेरे स्वतंत्र मतदाता संघ का मुसलमान विरोध करे इसलिए मेरे विरुद्ध रची गई एक साजिश। महात्मा लोग देश की बड़ी सेवा करते रहते पर कभी कभी देश की प्रगति के मार्ग का रोड़ा भी बन जाता। रोम की एक घटना मुझे याद आ रही है। जूलियस सीजर के खून का समाचार जब सिसेरो को मिला तब उसने अपने दूत से कहा कि जाओ रोमन लोगों से कहो कि अब उनके आजाद होने का वक्त आ गया। आज तक लोग एक महात्मा के गुलाम बने, अब वे लोग मुक्त हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। गोली मारने वाले के स्मृति को कोई कहेगा कि ये डरपोक पन है किसी पागल, परंतु ये ऐसा नहीं। ये कार्य तो हिंसा के साथ किया गया ऐतिहासिक साहसी कृत्य। नाथूराम गोडसे एक समय में गांधी जी का सहयोग आंदोलन का एक कार्यकर्ता था जो बाद में हिंदू महासभा में गया और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो। उसके साथी थे विष्णु करकरे और नारायण आप्टे जैसे ब्राह्मण, चित्त पावन ब्राह्मण। तुम उससे कहोगे कि अंबेडकर फिर गया अपनी जाति, लेकिन कोई भी हिंदू व्यक्ति सर्वप्रथम विचार करता है अपनी जाति का और अपनी अपनी ही जाति के कल्याण का। इसीलिए मैंने गांधी जी से कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा करनी है तो जाति नष्ट करना आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र में विरोधक हिंदू राष्ट्र जिसमें मलेच्छों को कोई स्थान नहीं मिलता, और पता नहीं क्यों गांधी जी हमेशा मुसलमानों की तरफ से खड़े रहते और यही बात हिंदू राष्ट्रवादियों को असहनीय हो। मैंने एक बार गांधी जी से कहा कि जब तक आप ब्राह्मणों के हित संबंधों की रक्षा आत्मीयता के साथ करेंगे तब तक सब ठीक है, परंतु जिस दिन हमें क्षमा करें डॉक्टर साहब, हमने आपसे बहुत कड़वी बातें की, हमें क्षमा करें। ये तो केवल प्रारंभ है विदूषक जातिवादी राजनीति का। आदमी आदमी में जाति अंधत्व का जहर फैलाने वाली राजनीति रुक जानी चाहिए। ये भूमि इस दुनिया में सर ऊंची करके खड़ी रहे इसके लिए हमें अपनी जात, अपनी पात, अपनी भाषा, अपना प्रांत, अपना धर्म, इन सभी को तिलांजलि देकर शपथ देनी चाहिए कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय रहूंगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो मुझे डर है कि इसमें निर्दोष लोगों की बलि चढ़ जाएगी। ओ मणि पद्मे, ओ मणि पद्मे। Oh,